अब गाय के गोबर से भरसे का धन, किसानों को मिलेगी गाय के गोबर से धन की सौगात। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की जयपुर की इकाई कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जल्द ही मार्केट में गाय के गोबर से बने पेंट को उतारने वाली है, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। अभी तक आप गाय का दूध, घी, गोमूत्र से बने पेस्टिसाइड, गाय के गोबर के दिए यही सुनते आए हैं, लेकिन जल्द आप सुनेंगे गाय के गोबर का पेंट। जी हाँ, वही पेंट जिसे आप अपने घर, दुकान और अन्य जगहों को रंगते हैं। वो पेंट मार्केट में उतर चुका है, जो किसानों की इनकम में बढ़ोतरी करेगा। पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट के नाम से लॉन्च किया गया है। इस पेंट को वैदिक पेंट नाम दिया गया है। गाय के गोबर से बने पेंट की बिक्री खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मदद से की जाएगी। इस पेंट की खासियत ये है कि इसे BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो भी प्रमाणित कर चुका है। काउ डंग पेंट, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और इको फ्रेंडली। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कहना है कि गाय के गोबर से बना ये पेंट एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल और इको फ्रेंडली है। साथ ही जब भी इसे दीवार पर पेंट किया जाएगा तो ये महज 4 घंटों में सूख जाएगा। इस पेंट में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से रंग भी मिला सकते हैं, यानी कि यदि आप चाहते हैं कि दीवार का रंग आपके अनुसार हो तो आप रंग बदल भी सकते हैं। अलग अलग पैकिंग में तैयार होगा पेंट। जी हाँ, ये पेंट आपको 2 रूम में मिलेगा। पहला प्राकृतिक पेंट, दूसरा डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक एम्यूनेशन पेंट आदि। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पेंट में हैवी मेटल जैसे सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम आदि का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिलहाल इसकी पैकिंग 2 लीटर से लेकर 30 लीटर तक तैयार की गई है। 30,000 रुपये की इनकम। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अनुसार इस पेंट में स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पेंट की इस तकनीक से गाय के गोबर का इस्तेमाल बढ़ेगा। ये गौशालों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेगा। इस पेंट के निर्माण से किसान या गौशाला को एक पशु से हर साल तकरीबन 30,000 रुपये की आमदनी हो सकती है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।